जय हिंद दोस्तों। बीएसएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022 को लेकर आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी इसका जारी हो चुका है। मतलब दोस्तों इस बार का जो फिजिकल होगा आपको कहां कहां पर होगा, मतलब कौन कौन से राज्य में होने वाला है, इसको लेकर बीएसएफ ट्रेड्समैन का एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। उस नोटिफिकेशन में सारी चीजें मेंशन की गई है कि कौन कौन से राज्यों का कहां कहां पर फिजिकल होगा, और फिजिकल को लेकर काफी ज्यादा अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर इस बार का जो बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो फिजिकल होगा वो कौन-कौन से राज्यों में होने वाला है। तो दोस्तों आपके राज्य का किस सेंटर में आपका फिजिकल होगा, इसको लेकर पूरी लिस्ट में आपको डिटेल से बताऊंगा। अलग अलग वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला है। साथ ही बात करने वाले हैं कि कब तक आप सभी का फिजिकल शुरू होने वाला है, फिजिकल की तैयारी आप सभी लोगों को शुरू कर देनी चाहिए या अभी आपको और समय यहां पर मिलने वाला, तो इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल से बताऊं। उससे पहले भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे आने वाली बीएसएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रही। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। अगर दोस्तों आप बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर और आपके लिए, क्योंकि आप सभी के लिए चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बीएसएफ ट्रेड्समैन की एक काफी अच्छी गाइड दोस्तों आ चुकी है। दोस्तों इस गाइड की अच्छी बात यह है कि ये पूर्णतः संपूर्ण जो आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से इस बुक को तैयार किया गया है। साथ ही दोस्तों अगर आप इस बुक से तैयारी कर लेते हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है, और प्रैक्टिस सेट में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलने वाले, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि पेपर में पेपर का जो लेवल होता है कैसा होता है और कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोनों ही बुकों का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अभी जाके दोस्तों आप इन बुक को परचेज कर सकते हैं, साथ ही अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर आप देख लीजिएगा पॉइंट नंबर 4 ऑफिशियली नोटिफिकेशन है और साफ साफ लिखा गया है रिक्रूटमेंट एजेंसी सेंटर फॉर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन मतलब आपका फिजिकल होगा सबसे पहले, तो कौन कौन से सेंटरों में होगा, कौन कौन से राज्य का। सबसे पहले बात करें तो जो भी कैंडिडेट जेएंडके और लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उन सभी का जो फिजिकल होगा वो जेएंडके में होगा, और जेएंडके में जो श्रीनगर में बीएसएफ हेडक्वार्टर है उन वहां पर एक ग्राउंड है दोस्तों, उसी ग्राउंड में आप सभी का फिजिकल होने वाला है। उसके अलावा केवल जेएंडके के वाले कैंडिडेटों का फिजिकल होगा वो जम्मू में होगा, फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ में। वही बात करें जो भी कैंडिडेट पंजाब हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं उन सभी का फिजिकल होगा वो होगा जालंधर कैंट में, जो बीएसएफ का सेंटर है वहां पर आपका फिजिकल होने वाला है। उसके अलावा दोस्तों यहां पर बात करें जो भी कैंडिडेट गुजरात महाराष्ट्र दमन दीव दादर नगर हवेली और गोवा से बिलोंग करते हैं उन सभी का जो फिजिकल होगा वो होगा दोस्तों फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ गुजरात, ये आपका रहेगा चिलोड़ा रोड पे है गांधीनगर में, वहां पर आपका फिजिकल होगा। उसके साथ ही जो भी कैंडिडेट राजस्थान और हरियाणा से बिलोंग करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजस्थान और हरियाणा वालों का जो फिजिकल होगा वो जोधपुर में होगा, और जोधपुर में जो सेंटर आपका बीएसएफ का वो है दोस्तों मंडोर रोड पे, और यहां पर आपका फिजिकल वगैरह होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जो भी कैंडिडेट और सिक्किम से बिलोंग करते हैं उन सभी का फिजिकल होगा वो वेस्ट बंगाल में होगा, दार्जिलिंग में जो बीएसएफ का यहां पर है, जो यहां पर बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है उसमें आपका फिजिकल होने वाला है। उसके साथ ही वेस्ट बंगाल और अंडमान से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनका फिजिकल आपका होगा कोलकाता में। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जो कैंडिडेट मणिपुर मिजोरम और नागालैंड से बिलोंग करते हैं उन सभी का जो फिजिकल होगा वो आपके यहाँ पर असम में होने वाला है, जो छत्तर में इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें आपका फिजिकल होगा। उसके साथ ही बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश और मेघालय से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उन सभी का जो फिजिकल होगा वो ईस्ट खासी हिल्स में होगा, शिलोंग में यहाँ पर फिजिकल होने वाला है बीएसएफ यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में। उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों जो कैंडिडेट असम से बिलोंग करते हैं असम वाले कैंडिडेटों का गुवाहाटी में होने वाला है। उसके अलावा त्रिपुरा वाले कैंडिडेट है उनका होगा दोस्तों यहां पर अगरतला में फिजिकल होगा। झारखंड से जो भी कैंडिडेट बिलोंग कर रहे हैं झारखंड वाले कैंडिडेटों का हजारीबाग में जो बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है तो वहां पर फिजिकल होगा। जो कैंडिडेट एमपी से बिलोंग करते हैं उनका होगा दोस्तों बिजासन में होगा, इंदौर में यहां पर फिजिकल होने वाला है। उसके अलावा बात करते हैं यूपी और दिल्ली वाले जो भी कैंडिडेट है उनका जो फिजिकल होगा वो होगा दोस्तों यहां पर बात करते हैं तो ये होगा आपके गुड़गांव हरियाणा में। बिल्कुल मैं आपको बता दूं गुड़गांव हरियाणा में जो बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर आप सभी का फिजिकल होगा। उसके अलावा दोस्तों जो कैंडिडेट कर्नाटक केरला तमिलनाडु और पुडुचेरी और लक्षद्वीप से जो बिलोंग करते हैं उनका बेंगलुरु में यहां पर एयरपोर्ट स्टेशन के पास में जो हेडक्वार्टर बीएसएफ का वहां पर आपका फिजिकल होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जो कैंडिडेट छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं उनका फिजिकल होगा वो होगा दोस्तों भिलाई में, जो सेंटर बीएसएफ का उसमें फिजिकल होने वाला है। उत्तराखंड से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनका यहां पर ग्वालियर एमपी में
फिजिकल होगा। उसके साथ ही ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनका दोस्तों यहाँ पर खुड़ा में, यहाँ पर उड़ीसा में यहाँ पर फिजिकल होने वाला है। तो दोस्तों ये नोटिस आप देख रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बीएसएफ का, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां जाके आप भी अपने राज्य का फिजिकल सेंटर यहाँ पर चेक कर सकते। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।